वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट वेदांत एंड आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल की एक और नई वीडियो। सो गाइस, आज हम सभी लोगों के सामने हमारी रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 XES है, जिसको भाई ज़्यादातर लोग हमारे इलेक्ट्रा के नाम से ही भी जानते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे एंड साथ ही में जो भी इसके प्रॉज हैं एंड जो भी इसके कॉन्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज़ कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही में इस वीडियो को कर देना एक लाइक। एंड जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे रॉयल इनफील्ड एंड बुलेट लवर्स हैं, वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लें हमारे इंजन की। सो गाइस, इंजन आपको इससे प्रोवाइड होने वाले 346 cc का। साथ ही में पावर की बात कर लेते हैं तो 19.1 bhp इसमें हमको मिलने वाली है। टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 28 Nm का इसमें हमको टॉर्क जो है प्रोवाइड होने वाला है। सो गाइस, ये तो हो गया हमारे इंजन की। इंजन आप देख लो, हमको मिलता है हमारे फुल ब्लैक मैट में मिलने वाला है एंड हमको बीच बीच में जो हमारे ग्लॉस इंसर्ट्स भी प्रोवाइड होने वाले हैं। सो गाइस, एक बार हम टैंक का बता दो आपको, हमको टैंक जो है मिलने वाला है 13.5 लीटर का एंड काफ़ी मैसिव सा गाइस हमको टैंक प्रोवाइड होने वाला है। एंड आप इसकी जो ओवरऑल जो है अपीयरेंस देख लो, काफ़ी मतलब हमको बल्की टाइप इसमें जो है लुक प्रोवाइड होने वाली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमको मिलता है हमारा रॉयल इनफील्ड का क्रोम में हमको मिलने वाला है लोगो, जो कि जो है काफ़ी शानदार सा लग रहा है इस बाइक में। एंड गाइस, इस बाइक में हमको तीन कलर ऑप्शंस प्रोवाइड होने वाले हैं। एक है हमारा ब्लैक जो आप अपने सामने देख सकते हो, एक हमको इसमें प्रोवाइड होता है ब्लू एंड एक हमको इसमें प्रोवाइड होता है रेड। एंड गाइस, अगर आपको मतलब किसी बाइक का रिव्यू चाहिए सो आप मुझे कमेंट्स में एक बार ज़रूर बता देना, मैं उस बाइक का रिव्यू जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। बात कर लेते हैं यार इसकी सीट हाइट की, तो सीट हाइट इसमें हमको मिलेगी 800 mm की एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमको मिलने वाली है 135 mm की। एंड गाइस, 5 गियर्स इसमें हमको प्रोवाइड होने वाली है। इसकी जो मतलब लुक है हमको काफ़ी क्रूजर टाइप की जो है प्रोवाइड होती है। सो सीट की बात कर लेते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है हमको सीट प्रोवाइड होने वाली है एंड सिंगल सीट है जो कि हमारे पीछे तक जो है एक्सटेंड हो जाती है। एंड गाइस, ये जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें कुशनिंग जो है हमको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है एंड काफ़ी वाइड सीट है ये। सो आपको लॉन्ग राइड्स के लिए अपनी मतलब कंफर्ट से कोई भी मतलब आपको आप डिससेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं होगे, आपको मतलब काफ़ी ये जो है सीट जो है सेटिस्फाई कर देगी हमारे लॉन्ग राइड्स के हिसाब से। सो गाइस, अब आगे से बात कर लेते हैं हमारे एक बाइक की, तो यहाँ पे हमको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमको यहाँ प्रोवाइड होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको मडगार्ड मिलता है जो कि मतलब काफ़ी ब्रॉड सा है एंड हमको ग्लॉसी ब्लैक में प्रोवाइड होता है। सो आगे से लुक देख लो, मतलब इसकी काफ़ी बल्की टाइप इसमें लुक आ रही है। टायर्स की बात कर लेते हैं, स्पोक रिम्स प्रोवाइड होते हैं, 19 inches के टायर प्रोवाइड मिलने वाले हैं हमको यहाँ पे। एंड यहाँ से बात कर लेते हैं तो हमको दोनों साइड जो रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड होने वाले हैं। एंड गाइस, हमको सिंगल चैनल ABS मिलती है एंड यहाँ पे देख लो काफ़ी अच्छी लुक आ रही है यहाँ पे टायर की। एंड इस साइड हमको हॉर्न मिलता है एंड यहाँ जो हमारी एग्जॉस्ट पाइप है यहाँ पे हमको कैटलिक कन्वर्टर प्रोवाइड होने वाला है। एंड इस साइड से भी लुक देख लो जो इसकी काफ़ी अच्छी आने वाली है हमको। सो एक बार गाइस आपको लाइट का बता देता हूँ, लाइट के सराउंडिंग से हमको क्रोम की जो है कैप मिलने वाली है। यहाँ पे हमको हैलोजन मिलने वाली है, चाहे वो लो बीम हो हाई बीम हो हैलोजन ही प्रोवाइड होने वाली है। इस साइड हमको प्रोवाइड होती है हमारी यार पार्किंग लाइट। सो गाइस, अब एक बार हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको जो मिरर्स प्रोवाइड होने वाले दोनों साइड पे, मिरर्स के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको डिपर पास का स्विच प्रोवाइड होता है। इस साइड हमको जो हमारा लो बीम एंड हाई बीम का मिलता है, यहाँ पे हमको इंडिकेटर्स का प्रोवाइड होता है, नीचे की साइड हमको हॉर्न के बटन की प्लेसमेंट मिल जाती है। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे हमको मिलता है हमारा इग्निशन स्टार्ट स्टॉप का एंड यहाँ पे हमको मिलता है हमारा किलर स्विच हमारी बाइक को ऑन करने। सो गाइस, आप एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमको क्रोम पाइप मिलती है हमारे पूरे एग्जॉस्ट की, जो कि मतलब इस बाइक को जो काफ़ी मतलब अच्छी सी अपीयरेंस दे रही है। पीछे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमको काफ़ी रेट्रो टाइप लुक में हमको टेल लाइट प्रोवाइड होती है, जिसके साथ में जो है हमको हमारे बहुत ही फ्लेक्सिबल से कॉम्पैक्ट से इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड होने वाले। एंड गाइस, जो हमारे पीछे के टायर का साइज़ है वो भी हमारा 19 inches ही हमको प्रोवाइड होता है। साथ में इससे हमको स्पोक रिम्स मिलने वाले हैं एंड जो हमारे टायर है वो गाइस हमको ट्यूब वाले मिलेंगे, ट्यूबलेस प्रोवाइड नहीं होने वाले। सो गाइस, अब एक बार यार हम बात कर ले हमारे बाइक की जो है एक्सशोरूम एंड ऑन रोड प्राइस की। गाइस, आप बात कर ले इसके एक्सशोरूम प्राइस की, तो जो इसका एक्सशोरूम प्राइस है वो है हमारा 1,60,000 एंड जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो हमारा होगा 1,82,000 के अप्रॉक्स। सो गाइस, ओवरऑल जो है ये बाइक की जो अपीयरेंस है एंड जो भी इसका प्राइस है काफ़ी सेंसिबल है यार हमारी लेजेंड के लिए। सो यार, अब बात कर ले हमारी बाइक की जो प्रोज एंड कॉन्स है, जिसके लिए हमारी जो मेन वीडियो का टॉपिक है। सो गाइस, जो मतलब कौन से स्टार्ट करते हैं, तो गाइस सबसे पहले तो यार इसमें जो है हमको फ्यूल गेज प्रोवाइड नहीं होने वाला, ये इसका सबसे मतलब सबसे पहला इसका जो है हमको मिलने वाला है। हमारी डिस्क क्वालिटी हमको यहाँ पे इसमें प्रोवाइड होने वाली है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई बिल्ड क्वालिटी जो इसमें काफ़ी डाउटफुल है, काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छी इसमें बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड नहीं होने वाली। साथ ही में यार बात कर ले इसकी मतलब स्पीड की, तो यार इसकी जो टॉप स्पीड है वो हमको काफ़ी लो मिलने वाली है। एंड सो गाइस, कॉन्स की बात कर ले तो भाई इसमें जो हाई मेंटेनेंस है, इसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट हमको इसमें मिलने वाली है।
सो अब एक बार प्रोस की बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है इसमें हमको मिलने वाला गुड लुक्स इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड होने वाली है, साथ ही में जो इसमें जो इनको इंजन मिलेगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोवाइड होने वाला है, जिसकी जो आपका ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। साथ ही में इसमें हमको मिलने वाला हमारा गुड वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है हमारा बुलेट 350 XES, एंड मतलब अपना काफ़ी अच्छी बाइक है यार ओवरऑल ये, एंड साथ ही में यार इसमें गुड लुक्स के अलावा पावरफुल इंजन भी प्रोवाइड होने वाला है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज बुलेट 350 XES वेरिएंट रिव्यूज़। सो उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी वीडियो जो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड गाइस जो भी हमारे बुलेट 350 लवर्स है, क्लासिक लवर्स है, वो यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर देना। एंड गाइस मैं दो ऑटो इंडिया पे आया हूँ, जो भी आपको शोरूम की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप एक बार जरूर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एंड मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको जरूर से सॉल्व कर देना। सो गाइस मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।